आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में केवलारी थाना एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ पूछताछ के लिए बुलाए गए एक आरोपी ने आरोपी की संदेहास्पद परिस्थितियों में उसका निधन हो गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय सिवनी में शव परीक्षण जहां होता है, पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर पुलिस, आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहां पुलिस खड़ी हुई है और परिजन उसके यहां दिखाई दे रहे हैं। परिजनों का आरोप हम आपको सुनाएंगे, परिजन क्या कह रहे हैं। पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा कहने को तैयार नहीं है। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसकी न्यायिक जांच के आदेश हो चुके हैं। किस मामले में, किस तरह से और क्यों ये घटना घटी, यहाँ पुलिस का लाव लश्कर आपको दिखाई दे रहा होगा। पोस्टमार्टम सेंटर के बाहर के ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं और 14 मार्च का ये नज़ारा, परिजन क्या कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं परिजन क्या कह रहे हैं। चालीस से 50,000 हमने दे चुके हैं। हमारा साथ बात जाना है ना। क्या पूरी घटना बताई हमें? पुलिस वालों ने कॉल करी कल, कहने लगे कि अभियान होगा, ऐसे बोल के हमें बुलवा, मतलब छोटे वाले भाई को बुलवाया गया वहाँ पे। हमने अच्छा खासा घर से पहुँचा, 11:30 की वारदात, वहाँ पे गए, बयान हुआ, फिर उसके बाद में उसको जेल में डाल दिए। फिर उसके बाद हमारे पिताजी ने नाश्ता ले जाके दिए फिर पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों ने ले जाके फिर भाई को दिए, फिर उसके बाद ये घटना सामने आई। क्या लगता है? हमें यही लगता है सर कि पुलिस वालों की ही कारस्तानी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शिवा डहरिया है, जौलारी में रहता हूँ। आदर्श सुना आपने परिजनों का क्या आरोप था। 19 वर्षीय आदेश पिता दिलीप डहरिया निवासी केवलारी, उसे बुलाया गया था। परिजनों का कहना है पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कार्रवाई के पहले युवक की तबीयत अचानक खराब हुई, उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, उसका निधन हो गया। निधन किस कारण से हुआ ये कहना फिलहाल मुश्किल है। आइए एक बार फिर हम सुनाते हैं परिजनों का क्या आरोप है। चले जाएंगे और दिन भर बिठाने रखते थे, हर 2-3 दिन में यही नाटक, बस बोलो वाले आएंगे, तुमने बात की हो, तुमने ऐसे किए, जब फोन थाने में है, सिम थाने में है, तो वो कैसे बात कर पाएगा? जब चाहो तब यही लगता। हमको तो यही लगता है कि सारी की सारी लड़की वालों की कारस्तानी और पुलिस वालों, ये दोनों सब लोग मेरे मिले हुए। केवलारी थाने के अंदर ये घटना घटी है, जैसा पुलिस सूत्रों बता रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार केवलारी थाना के अंदर ये घटना घटी और निश्चित रूप से केवलारी थाने में सीसीटीवी फुटेज होंगे और वहाँ क्या हुआ, उसकी तबीयत कैसे बिगड़ी, कितनी बार उसे बुलाया गया, लगातार उसे बुलाया जा रहा था अथवा नहीं, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था मानसिक या शारीरिक तौर पर, इस बात की जानकारी भी सीसीटीवी फुटेज या अन्य चीज़ों से मिल सकती है। आइए सुनाते हैं पुलिस क्या कहती है। थाना केवलारी में आदेश डहरिया के विरुद्ध 363-366 का अपराध पंजीबद्ध था। उसमें उनके फूफा जी थाने हाजिर ले करके हाजिर कराने के लिए लाए थे, उसके बाद उनके स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको केवलारी के अस्पताल ले गए। वहाँ से फिर सिवनी के अस्पताल लाया गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जुडिशियल जाँच के आदेश हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो कहा गया हमने आपको बताया, आपको सुनाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का क्या कहना था, यहाँ पुलिस का जमावड़ा आपको दिख रहा होगा और
बृहस्पतिवार 14 मार्च 2024 की ये घटना है। सुबह उसे बुलाया गया था, जैसा आरोप परिजन लगा रहे हैं। वस्तु स्थिति क्या है ये तो जांच के उपरांत ही समझ में आएगी, पर आदेश डहरिया उसका निधन हुआ है और जिस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं, परिजन यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, उसके अनुसार केवलारी थाना परिसर में उसकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत किस कारण बिगड़ी ये अन्वेषण का विषय है, जांच का विषय है। पुलिस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, भारी तादाद में पुलिस के वाहन, पुलिस का लाव लश्कर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आवारा मवेशी भी आपको यहाँ विचरण करते हुए दिख रहे होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।